युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भोपाल आए। यहां उन्होंने युवा कांग्रेस को रोजगार दो अभियान के शुभारंभ किया, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी द्वारा युवा कांग्रेस के रोजगार दो अभियान का शुभारंभ किया गया। बेरोजगारी की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने बड़े बड़े वादे रोजगार को लेकर किए थे, लेकिन सारे वादे खोखले साबित हुए। कहा कि देश में बेरोजगारी को देखने के लिए पीएम मोदी को चश्मे की नहीं दूरबीन की जरूरत है। उन्होंने युवाओं के साथ प्रधानमंत्री ने विश्वासघात किया है, लेकिन हम शांत नहीं बैठेंगे। हम बीजेपी सांसदों के घर जाकर उनसे रोजगार मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता लाठी और गोली से नहीं डरते। बीजेपी को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि देखते हैं बीजेपी उपचुनाव कैसे जीतती है। जल्द ही कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तक बनने वाली है। सीएम शिवराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि इतिहास में दो मामा मशहूर हैं, एक शकुनी मामा और कंस मामा और तीसरे शिवराज मामा। श्रीनिवास ने कहा कि देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। देश में इस समय सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार और शिवराज सरकार ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। इस हिसाब से 6 साल में 12 करोड़ रोजगार देना था, लेकिन मोदी सरकार 14 करोड़ नौकरियां छीन ली। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस देश का सबसे बड़ा संगठन है। देश की जीडीपी -23% हो गई है और देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कह रही हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है। आज जब मैं एयरपोर्ट पर आ रहा था तब युवा कांग्रेस के सभी साथी स्वागत करने के लिए खड़े थे, लेकिन शिवराज सरकार ने भारतीय युवा कांग्रेस पर लाठी चलाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ता लाठियों और गोलियों से डरने वाले नहीं है। प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को बेरोजगार प्रदेश बनाकर छोड़ दिया है। इतिहास में दो मामा मशहूर हुए हैं, एक शकुनी मामा और दूसरा कंस मामा और तीसरा शिवराज सिंह भी कर रहे हैं कि मैं मामा हूं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रोजगार 1.8 मिलियन इस नरेंद्र मोदी के खिलाफ रोजगार दो मां, मैं चाहे तो मेरे पास स्क्रीन शॉट है, मैं दिखा सकता हूं। 1.8 मिलियन लोग ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट लगाया है। मींस इस देश का युवा हमारे साथ जुड़ा है। मैं कल बेंगलोर में था, मैं लगातार हम स्टेट में घूम रहा हूँ। मैं कल बेंगलोर में था, कम से कम मेरे को मिले कम से कम 5,000 लोकल यूथ। जो कुछ लोग ने अभी हमने कोविड पे जो काम किया था उस समय में कुछ लोग जो जुड़ा था वो लोग आके बोल रहे हैं, तो उनका दुख सुन के बहुत आप भी नहीं कर सकते। पूरा देश में 30 करोड़ लोग एक बार खाना खा रहे हैं। ये सरकार को अभी भी उसके बारे में सोच के समझेंगे ना, इसीलिए हमने मिस कॉल देने का काम करेगा, वॉल गेटिंग करेंगे, बाद में पोस्ट कार्ड पीएम को लेके गए, पोस्ट कार्ड कैसे नहीं होगा, सिग्नेचर कैसे नहीं होगा, बाद में उनके घर पे जाके भेजेंगे रोजगार को, तभी नहीं सुनेगा। इनका जो मंत्रिमंडल है उसको